हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एजुकेशन अशोक यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के वीडियो पर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड पर किस तरीके से कलरफुल पैम्पलेट डिजाइन क्रिएट करेंगे। तो वीडियो पर बने रहिए अंत तक। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज के लेसन की तरफ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2019 वर्जन है। अगर आपके पास जो भी वर्जन का माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड है भी, तो आप बढ़िया से नीचे यहाँ पर किसी भी तरीके का डिज़ाइन वगैरह क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर मैं फिलहाल के लिए पैम्पलेट डिज़ाइन क्रिएट करके आपको दिखाऊंगा दोस्तों। उसके लिए सबसे पहले आपको एक पेज सेलेक्ट करने पड़ेगा। सिंपली आपको जो भी जिस तरीके का पेज भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, यानी कि 4R, 5R, 8R, A4 साइज, बड़ा साइज का पैम्पलेट डिज़ाइन क्रिएट कर रहे थे A4 साइज, उससे भी छोटा साइज का पैम्पलेट डिज़ाइन क्रिएट कर रहे थे A4 का साइज, उससे भी छोटा साइज का पैम्पलेट डिजाइन क्रिएट कर रहे थे 5x7, जिस तरीके का यहाँ पर साइज भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। मैं फिलहाल के लिए एक छोटा साइज का एक पैम्पलेट डिजाइन क्रिएट करूंगा। उसके लिए मैं सिंपली यहाँ पर लेआउट के अंदर क्लिक करूंगा, यहाँ पर देखिए लेआउट, और उसके बाद सिंपली मैं यहाँ पर मार्जिन सेलेक्ट करूंगा नैरो, यहाँ पर देखिए नैरो, और उसके बाद सिंपली मैं यहाँ पर साइज के अंदर क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं मोर पेपर साइज के अंदर क्लिक करूंगा। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर देखिए पेज सेटअप ओपन हो चुका है। सिंपली आपको यहाँ पर क्या करना है, विड्थ पर 5 इंचेस और हाइट पर 7 इंचेस रखना है। सिंपली 5 इंचेस और 7 इंचेस, और उसके बाद सिंपली आपको ओके बटन पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर देखिए इस तरीके का एक पेज रेडी होकर आ चुका है। अब यहाँ पर आप जो भी डिजाइन वगैरह करने के लिए तैयार हो चुका है दोस्तों, ये पेज आप यहाँ पर कर सकते हो। सिंपली यहाँ पर मैं इंसर्ट के अंदर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मैं कुछ एक शेप क्रिएट करूंगा और यहाँ पर देखिए शेप्स के अंदर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं रेक्टेंगल शेप सेलेक्ट करूंगा। आप जो भी जिस तरीके का शेप भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। मैं फिलहाल के लिए रेक्टेंगल शेप सेलेक्ट कर रहा हूँ और इस तरीके से यहाँ पर मैं इसको ऐड करूंगा। बड़ी ध्यान से कर लीजिए दोस्तों, आप किसी तरीके से भी आप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसको पेज आ चुका है। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूंगा इस तरीके से लेफ्ट साइड की तरफ, और उसके बाद सिंपली मैं यहाँ पर देखिए इसको आउटलाइन है, मैं सिंपली इसका आउटलाइन रिमूव करूंगा। उसके लिए शेप आउटलाइन के अंदर क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं नो आउटलाइन करूंगा और यहाँ पर मैं इस तरीके से सेट करूंगा। आप कीबोर्ड का एरोज बटन से भी यहाँ पर सेट कर सकते हो इस तरीके से। और उसके बाद सिंपली फिर से मैं इस तरीके से एडजस्ट करूंगा। यहाँ पर देखिए टोटली यहाँ पर पेज पर इस वाले डिजाइन यहाँ पर एडजस्ट हो चुका है। आप इस तरीके से बड़ी आसानी से कर सकते हो। उसके लिए सिंपली आपको यहाँ पर थोड़ा सा इसको एडजस्ट करने के लिए फॉर्मेट के अंदर क्लिक कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पर एडिट शेप्स के अंदर क्लिक कर लीजिए। मैं यहाँ पर एडिट शेप्स के अंदर क्लिक कर रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पर देखिए एडिट पॉइंट का ऑप्शन है। ध्यान रखिए दोस्तों, ये एडिट पॉइंट ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्जन 2007 से ऊपर का वर्जन पर ही ये ऑप्शन मिलेगा। अदरवाइज आप यहाँ पर 7 वगैरह वर्जन यूज कर रहे हो तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। सिंपली आपको यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्जन अपग्रेड करना है दोस्तों। 10, 13, 16, 19 जो भी आप यूज करना चाहते हो तो यूज कर सकते हो। बिल्कुल आप 7 से ही यूज नहीं कर लीजिए। सिंपली यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ एडिट पॉइंट के अंदर और उसके बाद सिंपली यहाँ पर देखिए पॉइंट आ चुका है। इस पॉइंट को मैं एडजस्ट करूंगा इस तरीके से, ऊपर की तरफ रखूंगा। यहाँ पर देखिए हैंडल आ चुका है। इस हैंडल को ऊपर की तरफ रखते हुए इसको आप यहाँ से इस तरीके से ऊपर की तरफ भी एडजस्ट कर सकते हो और इस तरीके से आप यहाँ पर ड्रैग कर सकते हो। ड्रैग करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके का एक डिजाइन क्रिएट हो चुका है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए थोड़ा सा एडजस्ट नहीं हो चुका है, इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा एडिट पॉइंट के अंदर क्लिक करते हुए। बिल्कुल यहाँ पर पेज के अंदर ही क्रिएट करूंगा, इस तरीके से एडजस्ट करूंगा। और एडजस्ट करने के बाद दोस्तों इसको आप जो भी कलर वगैरह देना चाहते हो तो दे सकते हो। मैं इसको सबसे पहले तो कंट्रोल डी करते हुए डुप्लीकेट करूंगा और इसको यहाँ पर कलर दूंगा। मैं यहाँ पर ब्लू कलर, डार्क ब्लू कलर फिल करूंगा। यहाँ पर देखिए मोर फिल कलर के अंदर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं डार्क ब्लू कलर यहाँ पर कुछ इस तरीके का लाइट ब्लू कलर फिल करने का ट्राई करूंगा। और उसके बाद इसको मैं सेंट बैकवर्ड करूंगा और यहाँ पर आपको एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के लिए सिंपली आपको इस पॉइंट को ऊपर की तरफ रखना है दोस्तों और उसके बाद यहाँ पर एडिट पॉइंट के अंदर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए और यहाँ पर क्लिक करने के बाद इस पॉइंट को आप थोड़ा सा ऊपर की तरफ इस तरीके से रख दीजिए तो यहाँ पर देखिए इस तरीके का यहाँ पर एडजस्ट हो चुका है। आप इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से एडजस्ट कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है दोस्तों, आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। और उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर फिर से इसी वाले शेप्स को कंट्रोल डी करना है और यहाँ पर इसको रखना है और उसके बाद इसको भी सेंड बैकवर्ड करना है दोस्तों। फॉर्मेट के अंदर क्लिक करते हुए इस तरीके से आप बैकवर्ड कर सकते हो। आप यहाँ पर
जो भी कॉलर वगैरह पसंद है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पर कुछ लाइट कॉलर इस तरीके का पर्पल कॉलर यहाँ पर सेलेक्ट करने का ट्राई करूंगा कुछ यूनिक सा, और उसके बाद ओके, और उसके बाद यहाँ पर मैं सेंड बैकवर्ड कर चुका हूँ। अब इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट वगैरह करना चाहूंगा, तो यहाँ से एडिट पॉइंट के अंदर आप इस तरीके से एडजस्ट वगैरह यहाँ पर इसको कर सकते हो। इस तरीके से आप यहाँ पर रखना चाहते हो तो भी रख सकते हो, बड़ी आसानी से, कोई भी दिक्कत नहीं है। और उसके बाद इसी शेप्स का आप कंट्रोल डी कर लीजिए और सेंड टू बैकवर्ड कर लीजिए, और यहाँ पर इसको व्हाइट कलर रख दीजिए दोस्तों। यहाँ पर देखिए व्हाइट कलर रखने के बाद आपको इस तरीके से यहाँ पर एडजस्ट वगैरह कर सकते हो। यहाँ पर देखिए बड़ी ध्यान से इस तरीके से रख दीजिए, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का एक डिजाइन क्रिएट होता है। यहाँ पर देखिए आप यूनिक सा एक डिजाइन वगैरह आपके हिसाब से आप काम कर सकते हो। मैं यहाँ पर मेरा यहाँ पर एक यूनिक सा टेक्निक यूज कर रहा हूँ, और सिंपली एडिट शेप्स के अंदर क्लिक करता हूँ। इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ रखूंगा कुछ इस तरीके से, और इसको भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ ही रखूंगा कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर देखिए, और इस पॉइंट को भी इसको भी मैं इस तरीके से एडजस्ट करूंगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके का एक डिजाइन क्रिएट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, सिंपली आपको जो भी इमेज वगैरह है तो यहाँ पर आपको फिल करना है। सिंपली आपको फॉर्मेट के अंदर क्लिक करना है, इससे फिल के अंदर क्लिक करना है, और अब आपको यहाँ पर पिक्चर्स के अंदर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर फ्रॉम फाइल के अंदर क्लिक करना है। आपके पास जहाँ पर इमेज है वहीं पर आप चूज कर लीजिए। मेरे पास सिंपली डी ड्राइव पर है, डेस्कटॉप फाइल के अंदर है। मैं यहाँ पर स्टूडेंट इमेज यहाँ पर यूज करूंगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए मेरे पास ढेर सारा ऑलरेडी मैंने गूगल से डाउनलोड किया हुआ इमेज है दोस्तों। मैं फिलहाल के लिए इसी वाले इमेज को यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर इंसर्ट करता हूँ। इंसर्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए इसको जिस तरीके से आ चुका है। अब इसको आप एडिट वगैरह करना चाहते हो तो भी बड़ी आसानी से एडिट वगैरह कर सकते हो। यहाँ पर मुझे बिल्कुल सा ठीक ठाक ही लग रहा है इस इमेज, यहाँ पर कुछ भी दिक्कत नहीं है। और उसके बाद इसको आप यहाँ से थोड़ा सा एडजस्ट वगैरह करना चाहते हो तो भी इस तरीके से आप कर सकते हो, आपको डिजाइन पर कुछ यूनिक सा दिखाने के लिए यहाँ पर देखिए। और उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर कोई भी एक डिजाइन वगैरह बनाने हैं तो भी आप यहाँ पर बना सकते हो। मैं यहाँ पर फिलहाल के लिए तो ओवल शेप्स यहाँ पर सेलेक्ट करूंगा, इस तरीके से शिफ्ट होल्ड करते हुए ड्रैग करूंगा। अब इसको आप इस तरीके से एडजस्ट करते हुए भी यहाँ पर आपको सेट कर सकते हो कुछ यूनिक सा डिजाइन दिखाने के लिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। कुछ इस तरीके से रख दीजिए, यहाँ पर आप इस तरीके से एडजस्ट वगैरह कर लीजिए, और उसके बाद यहाँ पर से फिल कलर नो आउटलाइन कर लीजिए। आपको यहाँ पर कलर वगैरह देना है तो आप यहाँ से भी दे सकते हो। मैं फिलहाल के लिए इसी वाले ब्लू कलर सेलेक्ट करता हूँ, इसको कंट्रोल डी करता हूँ, और यहाँ पर मैं कलर वगैरह चेंज कर लेता हूँ कुछ इस तरीके का। अब इस तरीके से यहाँ पर फिल वगैरह कर सकते हो, डिजाइन वगैरह दे सकते हो, और फिर से इसी वाले शेप्स को मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, कंट्रोल डी करता हूँ, और यहाँ पर इसको मैं सेंड बैकवर्ड कर लेता हूँ, और यहाँ पर देखिए बैंक टू फ्रंट कर लेता हूँ फॉरवर्ड, और यहाँ पर मैं कॉलर वगैरह इसको दे देता हूँ। और इसको तो मैं यहाँ पर फिलहाल के लिए इस तरह इसको यहाँ पर इस वाले शेप्स को थोड़ा सा कलर चेंज करूँगा, वो येलो कलर दूंगा, और इसको यहाँ पर रखूंगा। यहाँ पर रखने के बाद कुछ इस तरीके का यहाँ पर यूनिक सा लुक्स आ चुका है दोस्तों। यहाँ पर देखिए डिजाइन का इस शेप्स को मैं थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहूंगा। यहाँ पर देखिए इस वाले शेप्स को मुझे थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है, थोड़ा सा एडजस्ट नहीं हो रहा है जैसा लग रहा है मुझे, और यहाँ पर इसको मैं सेट करूंगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पर देखिए बिल्कुल इस तरीके से डिजाइन क्रिएट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर कोई भी लोगो वगैरह है तो आप यहाँ पर दे सकते हो, अदरवाइज आपको यहाँ पर इसी शेप्स को इसको इस तरीके से कुछ एक शेप वगैरह भी आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। इस तरीके से शेप वगैरह देकर आपको यहाँ पर डिजाइन वगैरह बनाने के लिए कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर फिल भी कर सकते हो। आपको जो भी कलर वगैरह है तो इस तरीके से आप यहाँ पर दे सकते हो, अदरवाइज आपको यहाँ पर कोई भी लोगो है तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हो। आप स्कूल का नेम वगैरह है तो भी आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो। फिलहाल के लिए एक लोगो यहाँ पर सिंपली लोगो ऐड करूंगा, कुछ इस तरीके से एक ओवल शेप सेलेक्ट करूंगा, और यहाँ पर इस तरीके से फिल करूंगा। फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर मैं आउटलाइन नो कलर वगैरह व्हाइट, अब मैं यहाँ पर सिंपली इंसर्ट के अंदर क्लिक करते हुए टेक्स्ट बॉक्स ले लूंगा, और यहाँ पर मैं इसको टेक्स्ट बॉक्स को तो सबसे पहले नो स्पेसिंग रिमूव आफ्टर पैराग्राफ कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऑल इस तरीके से करने के बाद यहाँ पर देखिए ऑल फॉर्मेटिंग, और उसके बाद नो स्पेसिंग, और यहाँ पर दिक्कत नहीं कोई भी, और यहाँ पर आपको लोगो वगैरह यहाँ पर आपको सेट कर सकते हो कुछ इस तरीके से। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी आपका लोगो जो भी है आप यहाँ पर फिल कर लीजिए। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर इस तरीके से रख देता हूँ, और आपको जो भी स्कूल का नेम है आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। इसी को शेप्स को मैं कंट्रोल डी करता हूँ, और यहाँ पर कंट्रोल ए करते हुए स्कूल नेम कुछ इस तरीके से टाइप कर लेता हूँ। इसको मैं इंटर करता हूँ, अदरवाइज आपको यहाँ पर स्कूल ऑनली टाइप कर लीजिए, इसको डिलीट कर लीजिए। आप इस तरीके से एडजस्ट वगैरह कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, और इसको बोल्ड वगैरह कर लीजिए। आपको कलर वगैरह यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो, व्हाइट कलर कर लेता हूँ,
अब इसके बाद मैं इसको कंट्रोल डी करता हूँ। आप यहाँ पर जो भी नेम वगैरह है आपका स्कूल का, आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने ये रख दिया है स्कूल नेम। यहाँ पर देखिए अब कुछ इस तरीके से इतना तक डिजाइन क्रिएट हो चुका है दोस्तों। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, सिंपली यहाँ पर एक यूनिक सा एक डिजाइन क्रिएट करने का ट्राई करूंगा दोस्तों। यहाँ पर मैं इंसर्ट के अंदर क्लिक करते हुए शेप के अंदर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं ओवल शेप्स लेऊंगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैं बड़ा सा एक ओवल शेप्स ड्रॉ करूंगा और यहाँ पर इसको फिल करूंगा। और यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्ट वगैरह करने के लिए आप सिंपली इस तरीके से छोटा वगैरह भी कर सकते हो। अब आपको यहाँ पर कोई भी एक डिजाइन वगैरह देना चाहते हो तो इसको आप इस तरीके से एडजस्ट वगैरह भी आप इसको कर सकते हो। अदरवाइज आपको यहाँ पर एडिट शेप्स के अंदर क्लिक करते हुए इसको एडिट वगैरह भी आप यहाँ से कर सकते हो। कुछ इस तरीके से डिजाइन वगैरह दिखाने के लिए, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर रखने के लिए आप इस तरीके का एक यूनिक सा आइडिया यहाँ पर जनरेट कर सकते हो। यहाँ पर देखिए और उसके बाद इसको कॉलर वगैरह आप चेंज कर सकते हो। मैं फिलहाल के लिए यहाँ पर येलो कॉलर कर लेता हूँ और यहाँ पर आउटलाइन नो कर लेता हूँ। और इसको तो मैं सबसे पहले सेंड बैकवर्ड कर लेता हूँ दोस्तों। यहाँ पर देखिए सेंड बैकवर्ड इस तरीके से आप कर सकते हो। अदरवाइज आपको यहाँ पर क्लिक करते हुए बिहाइंड टेक्स्ट, यहाँ पर देखिए सेंड बिहाइंड टेक्स्ट आप कर सकते हो यहाँ पर क्लिक करते हुए। और यहाँ पर इसको इस तरीके से बिहाइंड भी कर सकते हो डिजाइन कुछ इस तरीके से यूनिक सा दिखाने के लिए। और आपके पास आप यहाँ पर कोई भी एक स्टाइल वगैरह भी ऐड कर सकते हो। उसके लिए सिंपली मैं यहाँ पर नीचे की तरफ एक स्टाइल वगैरह क्रिएट करना चाहूँगा। सिंपली यहाँ पर मैं रेक्टेंगल शेप सेलेक्ट करूँगा और इस तरीके से ड्रॉ करूँगा। ड्रॉ करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं इस पॉइंट को तो डिलीट करना चाहूँगा। इस तरीके से यहाँ पर एडजस्ट करता हूँ। सबसे पहले इसको नो आउटलाइन कर लेता हूँ यहाँ पर देखिए। और यहाँ पर आउटलाइन नो करने के बाद सिंपली मैं यहाँ पर एडिट शेप्स के अंदर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर एडिट पॉइंट के अंदर क्लिक करता हूँ। इस वाले पॉइंट को तो मैं डिलीट करता हूँ, राइट क्लिक करते हुए डिलीट पॉइंट, और इस तरीके से डिलीट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर इस तरीके से हैंडल का पकड़ते हुए इस तरीके से आप यहाँ पर एडजस्ट वगैरह डिजाइन में आप कर सकते हो। कोई भी एक डिजाइन वगैरह बना सकते हो। इसको आप थोड़ा सा ऊपर की तरफ भी रख सकते हो इस तरीके से एडजस्ट करते हो। इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ ऐड कर सकते हो। इस तरीके से एक क्रिएटिव लुक आता है। और उसके बाद आपको यहाँ पर जो कोई भी एक कलर वगैरह देना है तो आप यहाँ से दे सकते हो। मैं इस तरीके का कर लेता हूँ। और इसको कंट्रोल डी करते हुए आप यहाँ पर एडजस्ट वगैरह कर सकते हो। इसको आप यहाँ पर कलर वगैरह चेंज कर सकते हो। इसको आप यहाँ पर सेंड बैकवर्ड करते हुए डिजाइन में कुछ यूनिक सा लुक वगैरह आपको लेना है तो आप यहाँ से डिजाइन पर यूज कर सकते हो। इस तरीके से आप यहाँ पर डिजाइन वगैरह दे सकते हो। और इसको यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्ट वगैरह करना है तो आप कर सकते हो। और इसको आउटलाइन वगैरह आप यहाँ पर फिल करना चाहते हो तो वाइट आउटलाइन वगैरह दे सकते हो। आउटलाइन का वेट वगैरह आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। इस तरीके से आपको थोड़ा सा वेट वगैरह बढ़ाने हैं तो इस तरीके से आप बढ़ा सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो। अब इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ रखना चाहते हो तो भी रख सकते हो। इसको भी आप थोड़ा सा नीचे की तरफ रखते हुए आप डिजाइन क्रिएट कर सकते हो। इस तरीके से कुछ यूनिक सा लुक आ चुका है दोस्तों यहाँ पर। अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर मैं ओवल शेप्स क्रिएट करते हुए यहाँ पर कुछ पिक्सल्स ऐड करूंगा। उसके लिए सिंपली इंसर्ट के अंदर क्लिक करता हूँ, शेप्स के अंदर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर एक ओवल शेप्स यहाँ पर देता हूँ और यहाँ पर इस तरीके से ओवल शेप्स यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए आप एक डिजाइन के लिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर ऐड वगैरह कर सकते हो। थोड़ा सा इसको कम करता हूँ, छोटा करता हूँ, इसको भी थोड़ा सा कम करता हूँ यहाँ पर देखिए। और इसी शेप्स को मैं यहाँ पर कलर वगैरह आप दे सकते हो। मैं आउटलाइन कलर यहाँ पर ब्लू कलर दूंगा, लाइट ब्लू, और इसको वेट थोड़ा सा इंक्रीज करूंगा कुछ इस तरीके से। अब आपको यहाँ पर ग्लो वगैरह देना है तो भी आप यहाँ से दे सकते हो ग्लो वगैरह। यहाँ पर देखिए ग्लो कलर आपको यहाँ पर चेंज कर सकते हो, व्हाइट कलर का ग्लो आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। सेफ इफेक्ट के अंदर क्लिक करते हुए ग्लो और व्हाइट कलर आपको यहाँ पर चूज करना है। इस तरीके से एक यूनिक सा लुक काटा है दोस्तों इस शेप्स पर। इसको कंट्रोल डी कर लीजिए। अब आपको यहाँ पर एक शेप्स ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो। इसको आप बड़ा करना चाहते हो तो कुछ इस तरीके से बड़ा भी कर सकते हो, डिजाइन के लिए कुछ यूनिक सा लगेगा। और इसको भी आप थोड़ा सा इंक्रीज वगैरह करना चाहते हो तो कर सकते हो। इसी शेप्स को आप कंट्रोल डी करते हुए यहाँ पर आपको इसको शेप्स को ऐड वगैरह कर सकते हो। आप थोड़ा सा इंक्रीज वगैरह कर सकते हो यहाँ पर ऐड करने के लिए। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके का अच्छा सा एक लुक क्रिएट हो रहा है। अब इसको यहाँ पर भी रख सकते हो, इस तरीके से भी ऐड कर सकते हो। मैं फिलहाल के लिए यहाँ पर इतना ही रखूंगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके का ही लुक लाऊंगा। यहाँ पर रखने के बाद इसको थोड़ा सा एडजस्ट नहीं हो रहा है इस तरीके से और मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। सिंपली इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ और मैं बाद में भी रख सकता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर पिक्चर्स वगैरह ऐड करना है। सिंपली फॉर्मेट के अंदर क्लिक करना है, सेव फाइल के अंदर क्लिक करना है, ब्राउज करना है दोस्तों। आपको जो कोई भी एक इमेज वगैरह है तो आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो। मैं फिलहाल के लिए इसी वाले इमेज को इंसर्ट करूंगा।
और इसको एडिट वगैरह करना है तो क्रॉप के अंदर क्लिक करते हुए आप इसको एडजस्ट वगैरह कर सकते हो, इस तरीके से दिखा सकते हो कोई भी एक डिजाइन का। और इसके बाद यहाँ पर आप क्लिक करते हुए फिर से फॉर्मेट के अंदर क्लिक करते हुए, सेव फिल के अंदर क्लिक करते हुए, पिक्चर्स के अंदर क्लिक करते हुए आप यहाँ पर एक इमेज इंसर्ट कर सकते हो। मैं फिलहाल के लिए तो कुछ इस तरीके का इमेज यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर देखिए इसको भी यहाँ पर मैं फॉर्मेट के अंदर क्लिक करते हुए क्रॉप वगैरह कर लेता हूँ। इस तरीके से एडजस्ट करना है दोस्तों, कोई भी दिक्कत नहीं है, बड़ी आसानी से आप एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से यूनिक सा डिजाइन यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। इसको तो मैं आउटलाइन कलर चेंज करूंगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए आउटलाइन कलर में यहाँ पर पर्पल कलर करूंगा तो काफी कूल नजर आ रहा है दोस्तों यहाँ पर डिजाइन पर। इसको मैं शेप्स आउटलाइन थोड़ा सा बड़ा करूंगा, मे बी 6 PT, और इसको भी यहाँ पर 6 PT के आसपास करूंगा। यहाँ पर देखिए कुछ यूनिक सा दिखना चाहिए। अब आपको क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर हेडलाइन वगैरह आप ऐड कर लीजिए। उसके लिए सिंपली क्या करना है, इंसर्ट के अंदर क्लिक करना है, वर्ड आउट स्टाइल 1, और आपको यहाँ पर कोई भी एक फॉन्ट पर आपको यहाँ पर हेडलाइन वगैरह टाइप करना है। आपको जो भी हेडलाइन है आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। मैं फिलहाल के लिए यहाँ पर फॉन्ट वगैरह यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, मैं इस तरीके का यूज करूंगा और इसको थोड़ा सा इंक्रीज करूंगा, मे बी 40 के आसपास करूंगा, 40 एंटर। यहाँ पर देखिए 40 मैंने रख चुका हूँ। अब आपको यहाँ पर कलर वगैरह देना है तो आप यहाँ से भी कलर वगैरह दे सकते हो, इसी को कलर दे दूंगा। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके का यूनिक सा लुक आ रहा है। आपको हेडलाइन का टाइटल वगैरह है तो सब टाइटल सब हेडलाइन जो भी है आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। इसको मैं कंट्रोल डी करता हूँ, इसको तो मैं सबसे पहले क्लियर नो स्पेसिंग कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ सब हेडलाइन। इस तरीके से मैंने टाइप कर चुका हूँ, इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज करूंगा और यहाँ पर इसको सेट करने का ट्राई करूंगा, इसको बोल्ड करूंगा। और आप यहाँ से इस तरीके से थोड़ा सा इंक्रीज वगैरह भी कर सकते हो आपको डिजाइन पर ज्यादा खूबसूरत लगाने के लिए। और उसके बाद आपको यहाँ पर एक काम करना है दोस्तों, इंसर्ट के अंदर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको यहाँ पर ओवल शेप्स क्रिएट करना है और इस तरीके से ओवल शेप्स आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर राइट क्लिक करते हुए फॉर्मेट शेप्स के अंदर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक अच्छा सा लुक देने के लिए सिंपली यहाँ पर आपको ग्रेडियंट फिल पर जाना है, इसको आप डिलीट करना है और इसको भी आप डिलीट करना है। अब आपको यहाँ पर पाथ के अंदर सेलेक्ट करना है दोस्तों, यहाँ पर देखिए पाथ, और उसके बाद आपको यहाँ पर कोई भी एक कलर वगैरह सेलेक्ट करना है ब्लैक कलर। और उसके बाद आपको यहाँ पर डिरेक्शन आपको यहाँ पर चेंज कर सकते हो। मैं इस तरीके से यहाँ पर ब्लैक को इधर रखता हूँ और व्हाइट को इधर रखता हूँ। और यहाँ पर आपको ब्राइटनेस वगैरह इसको देना है तो आप दे सकते हो, मैं ब्राइटनेस कम करता हूँ इस वाले सेक्शन का। और इसको भी ट्रांसपेरेंसी आप कम वगैरह कर सकते हो। मैं यहाँ पर ब्लैक का जगह यहाँ पर पर्पल कलर सेलेक्ट करता हूँ और इसका आउटलाइन नो कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके का एक यहाँ पर डिजाइन क्रिएट होता है दोस्तों। यहाँ पर देखिए कुछ अच्छा सा एक यहाँ पर लुक आता है डिजाइन के अंदर यहाँ पर इस तरीके से। अब आपको यहाँ पर हेडलाइन वगैरह जो भी है आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो। मैं फिलहाल के लिए इंसर्ट के अंदर क्लिक करते हुए यहाँ पर मैं टेक्स्ट बॉक्स के अंदर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं इस तरीके से टेक्स्ट यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। और आपको यहाँ पर फॉन्ट वगैरह छोटा करना है दोस्तों, मे बी 8 आसपास 9 के आसपास। आपको यहाँ पर टाइटल वगैरह देना है तो आप दे सकते हो, नो स्पेसिंग करना है। आपको फॉन्ट यहाँ पर 9 के आसपास करना है, इक्वल्स टू आर एंड रेन ब्रैकेट अपन 1 ब्रैकेट क्लोज। मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर एक पैराग्राफ फिल करूंगा और इसको मैं थोड़ा सा फॉन्ट वगैरह इंक्रीज करूंगा इस तरीके से। आपको यहाँ पर कोई भी टाइटल वगैरह हेडलाइन वगैरह टाइप करना है तो आप यहाँ से बड़ी आसानी से कोई भी दिक्कत नहीं होकर आप यहाँ से टाइप कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर फॉर्मेट पर जाना है, सेव फिल पर जाना है और आपको यहाँ पर नो फिल करना है और फिर से सेव आउटलाइन नो आउटलाइन करना है। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके का यहाँ पर डिजाइन वगैरह क्रिएट हो रहा है दोस्तों। अब उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, सिंपली एडमिशन ओपन यहाँ पर एक कुछ फॉन्ट पर यूनिक सा फॉन्ट पर खूबसूरत दिखाने के लिए आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। उसके लिए मैंने एक पिक्चर्स डाउनलोड किया है दोस्तों गूगल पर जाकर, इस वाले इमेज को मैं यहाँ पर इंसर्ट करूंगा, यहाँ पर देखिए ध्यान से और इंसर्ट करूंगा। इंसर्ट करने के बाद सिंपली रैप टेक्स्ट के अंदर क्लिक करूंगा, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करूंगा। टेक्स्ट करने के बाद सिंपली मैं इसको थोड़ा सा कम करूंगा साइज और यहाँ पर इस तरीके से फिल करूंगा। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से यूनिक सा लग रहा है दोस्तों। अब उसके बाद आपको यहाँ पर एडमिशन ओपन टाइप करना है, मैं कुछ इसी तरीके का एक टेक्स्ट सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर कंट्रोल डी करता हूँ और यहाँ पर इसको तो सबसे पहले क्लियर ही कर लेता हूँ, नो स्पेसिंग ही कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको एडमिशन टाइप कर लेता हूँ, ADMISSION एडमिशन कंट्रोल ए। फॉन्ट सेलेक्ट करता हूँ, कुछ यूनिक सा फॉन्ट
सेलेक्ट करने का ट्राई करूंगा। आप जिस तरीके का फॉन्ट वगैरह भी आप यूज कर सकते हो आपके डिजाइन पर, आप अपने हिसाब से आप अपने इमेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए कुछ इस तरीके का करूंगा और इसको तो इटैलिक करूंगा और इस तरीके से इंक्रीज करूंगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए, ज्यादा इंक्रीज करोगे तो ज्यादा डिजाइन खूबसूरत लगेगा। आप जितना इंक्रीज करना चाहते हो तो कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर मैं इसी शेप्स को कंट्रोल डी करता हूँ डुप्लीकेट, और यहाँ पर मैं कंट्रोल ए करते हुए ओपन 2022 इस तरीके से यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ। और यहाँ पर देखिए इसको फिल करता हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ ताकि ये डिजाइन दिखने में अच्छा लगे। यहाँ पर देखिए कुछ यूनिक सा लुक्स आ चुका है दोस्तों डिजाइन पर। अब आपको यहाँ पर कोई भी कॉन्टैक्ट ऑस है तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। फिलहाल के लिए तो मैं यहाँ पर इंसर्ट के अंदर क्लिक करते हुए इसी वाले शेप्स को क्लिक करता हूँ कंट्रोल डी डुप्लीकेट, और यहाँ पर इसको कंट्रोल ए करता हूँ और यहाँ पर कॉन्टैक्ट ऑस टाइप कर लेता हूँ। आपको जो भी नंबर वगैरह है तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। फिलहाल के लिए 01-+01-2345678-9 इस तरीके से यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ। इसको मैं होम के अंदर क्लिक करते हुए थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा। यहाँ पर देखिए इस तरीके से यहाँ पर एडजस्ट कर चुका हूँ। अब आपको इसका फॉन्ट वगैरह आपको देना है तो आप यहाँ से कोई भी एक लिटरल फॉन्ट वगैरह आपको ऐड कर सकते हो। आपका जो भी फॉन्ट वगैरह पसंद है आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। फिलहाल के लिए इस तरीके से इंक्रीज कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा फॉन्ट डिक्रीज कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर बड़ी आसानी से डिजाइन वगैरह क्रिएट हो चुका है दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड पर पैम्पलेट डिजाइन क्रिएट हो चुका है। अभी इसी तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड पर पैम्पलेट डिजाइन क्रिएट कर सकते हो। तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों का कैसा लगा प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जहां पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो पर किसी नए टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए नमस्कार।